हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्स एकेडमी। आज के क्लास में हम कवर करने वाले हैं रेयांसिस कोर्स का पार्ट 47। रेयांसिस कोर्स का पार्ट 47 जिसमें हम डिस्कस करेंगे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के बारे में। ठीक है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का क्या क्या इफेक्ट पड़ता है फंक्शंस के ऊपर, ये हम लोग डिस्कस करेंगे आज के क्लास में। ठीक है, और उससे यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होने से क्या क्या स्पेशल प्रॉपर्टीज चली आती है सिक्वेंस ऑफ फंक्शंस के पास, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला प्रॉपर्टी, ठीक है, मान लेते हैं लेट डी एक सबसेट है आर का, डी एक सबसेट है आर का एंड एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है a sequence of functions fn be uniformly convergent, ये uniformly convergent है d पे, on d to a function f। ठीक है, लेट एक्स नॉट बिलोंग्स टू डी डैश। डी डैश यहां पे क्या है, द डिराइव्ड सेट ऑफ टी। ठीक है, एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू एक्स नॉट एफ एन एक्स, ये कितना है, ए एन है। देन क्या बोल सकते हैं, पहला चीज, देन द सीक्वेंस ए एन, दिस सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट एंड सेकेंड, दूसरा चीज लिमिट एफ एक्स as x tends to x naught exist and is equal to limit n tends to infinity a n। ठीक है, so this is the first consequence of uniform convergence। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। ठीक है, अब ये तो मोटा मोटा बात हुआ, इसका मतलब क्या है हम लोग ये समझते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है और यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट रिजल्ट डिड्यूस होता है हम ये समझते हैं। ठीक है, देखिए, इसका पहला मतलब ये है कि भाई लिमिट एक्स टेंड्स टू एक्स नॉट है यहाँ पे, है ना, और लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स है यहाँ पे। ठीक है, ये दोनों लिमिट हम इंटरचेंज कर सकते हैं, मतलब हम लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पहले ले सकते हैं, उसके बाद लिमिट एक्स टेंड्स टू एक्स नॉट ले सकते हैं, एफ एन एक्स रिजल्ट नहीं बदलेगा, रिजल्ट सेम आएगा। ये इसका पहला मतलब है। ठीक है, इसका दूसरा मतलब ये है कि एफ एन अगर एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है एक इंटरवल आई पे अपने लिमिट फंक्शन पे, और अगर ईच एफ एन कॉन्टिन्यूअस है तो एफ खुद कॉन्टिन्यूअस होगा, ये इसका दूसरा मतलब है। ठीक है, एक एक करके लिखते हैं। पहला नोट वन, इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस
ऑफ द सीक्वेंस एफ एन ऑफ द सीक्वेंस एफ एन लिमिट दिस लिमिट लिमिट एक्स टेंज टू एक्स नॉट लिमिट एन टेंज टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स दिस लिमिट विल बी इक्वल टू दिस लिमिट लिमिट एन टेंज टू इन्फिनिटी लिमिट एक्स टेंज टू एक्स नॉट एफ एन एक्स ये दोनों समान होगा ठीक है. दिस इंडिकेट्स ये बेसिकली क्या इंडिकेट करता है. दिस इंडिकेट्स दैट द इंटरचेंज ऑफ लिमिट्स दिस इंडिकेट दैट द इंटरचेंज ऑफ लिमिट्स इज परमिसिबल. दिस इंडिकेट्स द इंटरचेंज ऑफ लिमिट्स इज परमिसिबल ठीक है ठीक है. इसी का एक दूसरा कॉरोलरी इसी का यहीं से एक दूसरा कॉरोलरी आता है जो हम प्रूफ करेंगे. लेट्स टेक इट एज सेकेंड नोट ठीक है. लेट आई बी एन इंटरवल लेट आई बी एन इंटरवल एंड अ सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस अ सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस एफ एन बी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन आई बी यूनिफॉर्मली convergent on I be uniformly convergent on I to a function f to a function f ठीक है. let let C belongs to I let C belongs to I and each fn be continuous and each fn be continuous at C then the limit function f is also continuous at C this limit function f is also continuous at C ठीक है. ठीक है एक छोटा सा रिजल्ट है एक छोटा सा रिजल्ट है जो हमें प्रूफ करना है एक छोटा सा रिजल्ट है इसे हम प्रूफ करेंगे. ओके ओके चले अगर इस स्लाइड पे चलते हैं प्रूफ प्रूफ इसका प्रूफ है कि भाई क्योंकि हर एक एफ एन कॉन्टिन्यूअस था सिंस ईच एफ एन is continuous since each fn is continuous at c हर एक fn continuous था तो भाई limit fnx a limit fnx as x tends to c ये क्या हो जाएगा fnc हो जाएगा fnc हो जाएगा for all n belongs to n for all n belongs to n है ना. and since the sequence कौन सा सीक्वेंस ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन सिंस दिस सीक्वेंस ऑफ फंक्शन कन्वर्जेस टू आई टू द फंक्शन एफ टू द फंक्शन एफ है ना. द सीक्वेंस FNC this sequence converges to कहा FC पे FC ठीक है. तो by above theorem मैं पूछूं तो by ये previous theorem जो हमने किया जिसका statement हमने देखा by previous theorem limit x tends to C fx exist and this is equal to
लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एन सी दिट इज इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एन सी दैट मीन्स दिस इज वॉट लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स दिस इज इक्वल टू एफ सी ठीक है. दिस प्रूव्स दैट f is continuous. This proves that f is continuous at c. ठीक है. This proves that f is continuous at c. क्लियर है यहां पर? क्लियर है यहां पर? ठीक है. अब एक इंपॉर्टेंट चीज समझते हैं. अब एक इंपॉर्टेंट चीज समझते हैं. मान लेते हैं एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस था, एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस था ठीक है, जो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट था डोमेन पे, जो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट था डोमेन पे ठीक है. अगर ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन बाउंडेड हो, अगर ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन बाउंडेड हो और पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट हो तो जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है किसका लिमिट फंक्शन भी बाउंडेड होगा. जरूरी नहीं है कि इसका लिमिट फंक्शन भी बाउंडेड होगा ठीक है. लेकिन अगर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो तब पक्का है कि हाँ डेफिनेटली ये बाउंडेड होगा, डेफिनेटली ये बाउंडेड होगा ठीक है. हम ऐसा एग्जांपल भी देखेंगे कि एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन लेंगे, एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन हम लोग लेंगे जो बाउंडेड होगा, मतलब एफ एन हर एक एन के लिए बाउंडेड होगा ठीक है. वो पॉइंट वाइज कन्वर्ज भी करेगा अपने लिमिट फंक्शन पे ठीक है. लेकिन लेकिन वो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन जो है उसका जो लिमिट फंक्शन देगा, जिस लिमिट फंक्शन पे वो कन्वर्ज करेगा वो बाउंडेड नहीं होगा, वो बाउंडेड नहीं होगा ठीक है. तो पहले हम ऐसे एग्जांपल देते हैं, पहले हम ऐसे एग्जांपल देते हैं. लेट लेट डी बी अ सबसेट ऑफ आर है एंड फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन एफ एन फ्रॉम डी टू आर इज बाउंडेड, इज बाउंडेड ऑन डी ठीक है. एफ एन हर एक एन के लिए बाउंडेड है ठीक है. इफ दिस सीक्वेंस एफ एन इज पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट ऑन डी, इज पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट ऑन डी देन द लिमिट फंक्शन, देन द लिमिट फंक्शन, देन द लिमिट फंक्शन एफ मे नॉट बी बाउंडेड ऑन डी, देन द लिमिट फंक्शन f may not be bounded on d ठीक है. फॉर एग्जाम्पल देते हैं. मान लेते हैं fnx ये फंक्शन 1 + x + x² ऐसे करते करते प्लस एक्स टू दी पावर n माइनस 1 तक, x बिलोंग्स टू दिस क्लोज 0 ओपन 1 इंटरवल ठीक है. ठीक है. देन लिमिट ऑफ एफ एन एक्स एस एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये होगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, एक्स बिलोंग्स टू दिस इंटरवल ठीक है. ठीक है. तो इससे क्या मिला, द सीक्वेंस एफ एन, द सीक्वेंस एफ एन कन्वर्जेस टू, कन्वर्जेस ऑन दिस डोमेन टू द फंक्शन एफ, टू द फंक्शन एफ गिवेन बाय, गिवेन बाय एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, x belongs to this interval, x belongs to this interval ठीक
ठीक है, और एफ बाउंडेड है, सॉरी ईच एफ एन बाउंडेड है, ईच एफ एन बाउंडेड है यहाँ पे लेकिन एफ बाउंडेड नहीं है, एफ यहाँ पे बाउंडेड नहीं है, ठीक है। ये हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में दिखाने वाले हैं, यही हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में दिखाने वाले हैं कि भाई एफ मॉड ऑफ एफ एन एक्स, मॉड ऑफ एफ एन एक्स ये क्या है, वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अप टू, ऐसे करते करते एक्स टू दी पावर एन माइनस वन तक, एन माइनस वन तक, है ना। दिस इज लेस देन और इक्वल टू वन प्लस मॉड एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऐसे करते करते मॉड ऑफ एक्स टू दी पावर एन माइनस वन तक, ठीक। एंड दिस इज लेस देन एन, दिस इज लेस देन एन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, ठीक। दैट मीन्स ईच एफ एन इज बाउंडेड ऑन दिस डोमेन जीरो टू वन, जीरो पे क्लोज वन पे ओपन, बट द लिमिट फंक्शन एफ इज अनबाउंडेड ऑन दिस इंटरवल, इज अनबाउंडेड ऑन दिस इंटरवल, क्लियर है, इज अनबाउंडेड ऑन दिस इंटरवल, क्लियर है, ठीक है, ठीक है। चले अब हम लोग इसका एक थ्योरम देखते हैं कि हाँ अगर ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट ना हो कि यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होता, अगर ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट ना हो कि यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होता तो एफ भी बाउंडेड होता, तो एफ भी बाउंडेड होता, ठीक है। इसका स्टेटमेंट देखते हैं हम इसे लिखते हैं रिजल्ट टू, ये हम लिखते हैं, ठीक है। लेट डी बी अ सबसेट ऑफ आर एंड फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन एफ एन फ्रॉम डी टू आर इज बाउंडेड ऑन डी, ठीक है। नाउ इफ द सीक्वेंस fn बी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, ऑन d, देन द लिमिट फंक्शन f, then the limit function f is also bounded on d, then the limit function f is also bounded on d, ठीक है, ठीक है। अब एक चीज समझो, अगर हर एक एफ एन बाउंडेड है डी पे और ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है तो ये सफिशियंट कंडीशन है किसके लिए, कि लिमिट फंक्शन भी बाउंडेड हो, बट ये नेसेसरी कंडीशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि एफ एन सीक्वेंस ऑफ फंक्शन जब यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगा तभी लिमिट फंक्शन बाउंडेड होगा, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। इट्स नॉट अ नेसेसरी कंडीशन, ये सफिशियंट कंडीशन है। हाँ अगर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन और हर एक एफ एन बाउंडेड है तो एफ भी बाउंडेड होगा, सफिशियंट है, नेसेसरी नहीं है, होना ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई हर एक एफ एन बाउंडेड है एफ तभी बाउंडेड होगा जब ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं,
ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ये नोट हम लोग लिखेंगे, ये नोट हम लोग लिखेंगे और एक एग्जांपल भी देखेंगे इसके ऊपर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट, नोट, ये नोट हम लोग लिखेंगे। इफ ईच एफ एन, इफ ईच एफ एन इज बाउंडेड ऑन डी, इज बाउंडेड ऑन डी द यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, द यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ द सीक्वेंस, द यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ द सीक्वेंस एफ एन ऑन डी, ऑन डी इज अ सफिशियंट, इज अ सफिशियंट बट नॉट अ नेसेसरी कंडीशन, बट नॉट अ नेसेसरी कंडीशन फॉर द बाउंडेडनेस, फॉर द बाउंडेडनेस ऑफ द लिमिट फंक्शन, फॉर द बाउंडेडनेस ऑफ द लिमिट फंक्शन एफ ऑन डी, फॉर द बाउंडेडनेस ऑफ द लिमिट फंक्शन एफ ऑन डी, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल लेट एफ एन एक्स, लेट एफ एन एक्स दिस इज इक्वल टू एन एक्स अपॉन, एन एक्स अपॉन वन प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। वेल एक्स बिलोंग्स टू दिस क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल 0, 1, वेल एक्स बिलोंग्स टू दिस क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल 0, 1, ठीक है, ठीक है। देन इसका लिमिट फंक्शन क्या है, देन इट्स लिमिट फंक्शन, इट्स लिमिट फंक्शन इज एफ एक्स इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0, 1। ये हमने लास्ट के क्लासेस में किया है, ये हमने पिछले क्लासेस में किया है ना। नाउ सिंस सुप्रीमम, सुप्रीमम ऑफ मॉड एफ एन एक्स एस एक्स बिलोंग्स टू दिस क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल 0, 1, दिस इज इक्वल टू हाफ, दिस इज इक्वल टू हाफ ईच एफ एन इज बाउंडेड ऑन डी, ईच एफ एन इज बाउंडेड ऑन डी, डी का मतलब यहाँ पे क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल 0, 1। ऑल्सो, ऑल्सो द लिमिट फंक्शन, ऑल्सो द लिमिट फंक्शन एफ इज बाउंडेड, इज बाउंडेड ऑन दिस क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल 0, 1, ठीक है। बट बट द कन्वर्जेंस, द कन्वर्जेंस ऑफ द सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस, द कन्वर्जेंस ऑफ द सीक्वेंस ऑफ फंक्शन एफ एम इज नॉट यूनिफॉर्म, इज नॉट यूनिफॉर्म ऑन दिस क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल 0, 1, ऑन दिस क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल 0, 1, ठीक है। समझ में आया, ठीक है, समझ में आया। चले अब एक और एग्जांपल देखते हैं, अब एक और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, जिसमें एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है एफ एन और उसका एक लिमिट फंक्शन है एफ जिसपे वो पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रहा है, जिसपे वो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है, ठीक है। और अगर हर एक एफ एन कॉन्टिन्यूस है, और अगर हर एक एफ एन कॉन्टिन्यूस है तो जरूरी नहीं है कि इसका लिमिट फंक्शन एफ भी कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, अगर सीक्वेंस ऑफ फंक्शन पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है। लेकिन अगर ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हुआ, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हुआ, तब तब डेफिनेटली, डेफिनेटली ये जो लिमिट फंक्शन है ये भी कॉन्टिन्यूस होगा, ये भी कॉन्टिन्यूस
होगा, ये जरूरी है। हमने हमने जब इसके हमने जब सीक्वेंस ऑफ फंक्शन का पहला चैप्टर किया उसमें हमने बहुत सारे लिमिट फंक्शन डिफाइन किए थे जो कि कॉन्टिन्यूस नहीं है, जबकि हर एक एफ एन कॉन्टिन्यूस थे, ठीक है, जबकि हर एक एफ एन कॉन्टिन्यूस थे। लेकिन अगर ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हुआ तो उसका लिमिट फंक्शन एफ भी कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है। यही इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम लिखने जा रहे हैं, रिजल्ट थ्री, ठीक है। क्या रिजल्ट? लेट डी बी ए सबसेट ऑफ आर, लेट डी बी ए सबसेट ऑफ आर एंड फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन एफ एन फ्रॉम डी टू आर is continuous on D, है ना। Now if the sequence fn be uniformly convergent, on D to a function f, then f is continuous on D, ठीक है। अगेन यहाँ पे जो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट वाला कंडीशन है ये सफिशियंट है लेकिन नेसेसरी नहीं है, ठीक है, ये सफिशियंट है। हाँ, अगर सीक्वेंस ऑफ फंक्शन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हुआ और ईच एफ एन कॉन्टिन्यूस है तो उसका लिमिट फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस होगा, लेकिन ये नेसेसरी नहीं है। लिमिट फंक्शन कॉन्टिन्यूस होने के लिए सीक्वेंस ऑफ फंक्शन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो ही, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस हम निकाल सकते हैं या बता सकते हैं जो कि यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है लेकिन उनका लिमिट फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। एकदम थोड़ा सा एग्जांपल देखिए ख़त्म करते हैं। जैसे ये फंक्शन हम ले लें, ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन हम ले लें, है ना, हमने लास्ट क्लास में भी किया है, एन एक्स अपॉन वन प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक, एक्स बिलोंग्स टू दिस क्लोज बाउंडेड इंटरवल 0, 1। इसका लिमिट फंक्शन क्या था? 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल 0, 1, ठीक है। तो लिमिट फंक्शन यहाँ पे कॉन्टिन्यूस है, ईच एफ एन कॉन्टिन्यूस है, द लिमिट फंक्शन एफ इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस, है ना। बट द कन्वर्जेंस of the sequence of functions, the convergence of कौन सा सीक्वेंस एफ एन इज नॉट यूनिफॉर्म ऑन दिस क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल 0, 1, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर हमें कहीं दिखे कि भाई लिमिट फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, हर एक एफ एन कॉन्टिन्यूस है और लिमिट फंक्शन भी सर कॉन्टिन्यूस है, तो जरूरी नहीं है कि वो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो, तो जरूरी नहीं है उसका जो कन्वर्जेंस है वो यूनिफॉर्म हो। लेकिन ये पक्का है कि अगर एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन दिखे, ठीक है, और उसका लिमिट फंक्शन एफ कॉन्टिन्यूस ना हो जबकि हर एक एफ एन कॉन्टिन्यूस हो, तो ये पक्का बात है कि जो कन्वर्जेंस है वो यूनिफॉर्म नहीं है, ये पक्का बात है कि जो कन्वर्जेंस है वो यहाँ पे वो यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है। तो इतना ही बोल के ये पार्ट हम खत्म करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर जिसे हम बोलेंगे सीरीज ऑफ फंक्शन, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच सभी को। एक्सएडमी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मुझे फॉलो करते रहने के लिए रिलायंस का क्लास फॉलो करते रहें। दिस इज रत्नाकर अग्रवाल, थैंक यू सो मच।